वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन वेन। आज हम इसमें कवर करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा पार्ट टू, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इसमें जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ट्रेड पॉलिसी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड डेवलपमेंट हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम फोकस करेंगे इंडस्ट्री और ट्रेड पर कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो कैसे ग्रो हुई। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई थी, जैसा कि हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। उसके बाद जो हमारे प्लानर्स थे उनके पास सबसे बड़ी समस्या थी कि हमें हर फील्ड में ग्रोथ चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, गरीबी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, रूरल डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हमें ओवरऑल हर तरह से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना था। लेकिन क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हम हर फील्ड पर एक साथ फोकस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है प्लानिंग की, जिसके लिए हमने 5 ईयर प्लान शुरू किए। अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हम उनका इस्तेमाल करके पूरी डेवलपमेंट हासिल एक साथ नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उन्हें धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होगा और उन्हें हासिल करना होगा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था तो सबसे पहले हमने जो फोकस किया था वो था हमारा एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर में हमने अपनी फूड ग्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जिससे कि हम सेल्फ सफिशियंट हो सके और हमारी इम्पोर्ट जो है वो घट सके। तो ऐसा नहीं है कि 5 ईयर प्लान्स हमेशा 5 ईयर्स ही रहे हैं, बीच में हमारे कुछ प्लान्स एनुअल भी रहे हैं। एग्रीकल्चर में हमने विकास की ओर कदम तो बढ़ा लिया, अब इंडस्ट्री के बारे में क्या हुआ वो हम अब देखेंगे। तो हम बात करते हैं इंडस्ट्री और ट्रेड की, कि इंडस्ट्री और ट्रेड का क्या हाल था 1950 से 1990 के बीच में। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी इकोनॉमी की प्रोग्रेस के लिए या कोई भी देश उन्नति तभी करता है जब वहाँ की इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो मजबूत हो। क्यों? इसके कई कारण हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है, औद्योगिक क्षेत्र, उसमें एम्प्लॉयमेंट में स्थिरता होती है। स्थिरता कैसे होती है? एग्रीकल्चर है, फसल बोदी, उसके बाद वो टाइम पीरियड खाली रह गया। यहाँ पे क्या आ गया? एक टाइम पीरियड आ गया और वहाँ पे बीच में जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। फिर फसल काटने की बारी आई, फिर हमारे लोगों के पास काम आ गया, फसल काटी, और फिर उसके बाद बीच में थोड़ा सा टाइम बेरोजगारी का बढ़ गया। अगर फसल कट गई है उसके बाद आपके पास काम नहीं है, या फिर फसल बोने के बाद आपके पास काम नहीं है, तो इंडस्ट्री जो है वो मोर स्टेबल है रादर देन एग्रीकल्चर। और ये तो हमें पता ही है कि इंडस्ट्री जहाँ होती है वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन भी होती है। मॉडर्नाइजेशन है इसका मतलब ओवरऑल तरीके से हम चारों तरफ से तरक्की कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ इंडस्ट्री का क्या हाल था, तो अब हम देखते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स हमारे यहाँ कैसे थे और वो किस तरीके से डेवलप हुए। हमें पता है कि हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाया जाता है क्योंकि यह प्रोडक्शन में काम आता है और यहाँ कैपिटल गुड्स ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और ना ही हमारे यहाँ पर मार्केट इतना ज़्यादा डेवलप था कि हम उसको सर्वाइव कर पाएँ, कि अगर किसी ने 100 करोड़ लगा भी दिए उस टाइम पर तो उसका बेनिफिट उसे मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाती है बारी राज्य सरकारों की, या फिर हम करें केंद्र सरकार। स्टेट से मतलब यहाँ हमारा स्टेट से भी है और सेंटर से भी है। यहाँ पर बात आ जाती है सरकारों की, तो जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वहाँ पर सरकार जो है वो रोल प्ले करती है। यही वजह है कि हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी, वो सारी सरकार के कंट्रोल में थी। चाहे हम बात करें ONGC की, NTPC की, MTNL, और प्राइवेट सेक्टर का भी इनमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। प्राइवेट सेक्टर भी धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लेकर के आती है, जिसे हम IPR 1956 भी कहते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो हमारा मेन फोकस था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर था। अगर हम इंडस्ट्री को देखें तो हम इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जो कि पूरा का पूरा सरकार के कंट्रोल में है, ये गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट इसका मालिक है। सेकेंड, प्राइवेट विद स्टेट, प्राइवेट भी है और प्लस स्टेट भी है, सरकार भी पैसे लगा रही है और प्राइवेट कंपनीज भी, और इसमें जो स्टेट की भागीदारी है, अगर कोई वो नई यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं किसी और जगह पे तो वहाँ की उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये स्टेट के अंदर आ जाएगी। और तीसरा जो है हमारा वो है प्राइवेट सेक्टर, ये फुल्ली प्राइवेट होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के अंदर सरकार ने बैकवर्ड एरिया को प्रमोट करने के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम स्टार्ट की। अब लाइसेंसिंग सिस्टम में होता क्या था, लाइसेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी कि अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं या फिर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ऐसा हुआ क्यों? अगर सरकार लाइसेंस सिस्टम हटा देती है तो कोई भी कहीं पे भी जाकर के इंडस्ट्री शुरू कर देगा जहां पर उसका बेनिफिट है। तो जितने भी हमारे पिछड़े इलाके हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया,
उस टाइम पे छत्तीसगढ़ नहीं हुआ करता था। छत्तीसगढ़, झारखंड, हमारे जितने भी पिछड़े इलाके हैं ये कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। पिछड़े इलाकों के उत्थान के लिए सरकार ने टैक्स बेनिफिट्स दिए, इलेक्ट्रिसिटी को लोअर रेट पर दिया ताकि वो सर्वाइव कर पाएं। लाइसेंस सिस्टम सिर्फ नई इंडस्ट्री शुरू करने के लिए नहीं था, बल्कि अगर वो अपना आउटपुट एक्सपेंड कर रहे हैं या फिर अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उनका कोई प्रोडक्ट है जिसमें वो कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं या फिर उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी उन्हें सरकार से अनुमति और लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर हम इसको देखें, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री कैसी होती है, तो जैसे ये हमारा इंडियन रेलवे है, इसमें फुल्ली जो है गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है, हालांकि गवर्नमेंट अभी इसे प्राइवेटाइज करने की ओर है। अब हम देखते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री क्या है। प्राइवेट इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये फुल्ली प्राइवेट है, जैसे कि हमारी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। तीसरी जो है हमारी प्राइवेट प्लस स्टेट की है, तो ये हमारा ONGC, इसमें स्टेट भी है, स्टेट की भी भागीदारी है और प्राइवेट की भी। क्या बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने से हमारे गाँव की उन्नति होगी? नहीं। इसके लिए कार्य कमेटी ने सजेशन दिया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर गांवों में विकास चाहिए तो आपको छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। छोटे उद्योगों में हम शामिल किसे करते हैं? 1950 में अगर इसकी हम वैल्यू देखें तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए थी। मैक्सिमम 5 लाख रुपए की जिसमें इन्वेस्टमेंट है वो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। अब इसकी वैल्यू बढ़कर के 1 करोड़ हो गई है, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है हमारी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाली होगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में ऐसा क्यों कहें कि ये रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा? ऐसा क्यों है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है हमारी, वो मोर लेबर इंटेंसिव होती है। गांव में जो चीजें बनाई जाती हैं वो लेबर के जरिए बनाई जाती है, ना कि बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कपड़ा बनाते हुए, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो गाँव में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इसके लिए सरकार ने कुछ प्रोडक्ट भी रिजर्व कर रखे थे जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द्वारा बनाए जाएंगे। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और बैंक लोन की दरों को घटाया। अब एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? कोई भी अगर हमने प्रोडक्ट बनाया है तो उस पर जो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स पे किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट हमने इंडिया में बनाया है उस पर जो टैक्स पे किया जाता है उसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। और बैंक लोन जो है वो उन्हें कम दरों पर दिया जाता था ताकि लोग जो हैं वो छोटे उद्योग शुरू कर सकें। इसके अलावा भारत ने ट्रेड पॉलिसी भी स्टार्ट की, जिसमें हमारा सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम आत्मनिर्भर भारत से बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप ऐसी चीजों का उत्पादन खुद करें जो कि आप बनाने में सक्षम हैं। अगर हम इसे देखें तो ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी है, यानी कि अपने घर के अंदर देखो। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है हमारा कि जो भी चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं उसकी जगह हम घर में ही वो चीजें बनाएं। जैसे हम पापड़ लेते हैं, अगर पापड़ हम घर पर ही बना लें तो हमें बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से वो चीजें जो कि हम खुद बनाने में सक्षम हैं वो हम बाहर से ना मंगाएं, ये हमारा होता है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इम्पोर्ट को घटाने के लिए हमारे यहाँ 2 तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, एक होता है टैरिफ और दूसरा होता है कोटा। तो ये टैरिफ और कोटा जो है वो हमारे डोमेस्टिक फर्म्स को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन कॉम्पिटिशन से। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमारे डेवलप्ड नेशंस के साथ, उनके जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ की जो क्वालिटीज़ होती है प्रोडक्ट्स की, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ये इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो अब हम देखते हैं कि टैरिफ और कोटा क्या होता है। हम बात करेंगे टैरिफ की। ये फोर्ड की कार है जिसे हम इम्पोर्ट करना चाहते हैं, जिसकी कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपीज़ है। हम उसे इम्पोर्ट करते हैं और जिस पर कि हमारी सरकार जो है वो टैक्स लगाती है 10%। अब ये 10% ऑफ 10 लाख की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज। तो भारत में आने के बाद इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी? 10 लाख प्लस 1 लाख, 11 लाख। तो यहाँ हमारी कीमत क्या हो गई? 11 लाख। यहाँ पर ये 1 लाख महंगी हो गई। तो इसे हम कहते हैं टैरिफ। टैरिफ हमारा क्या है? इम्पोर्ट की हुई चीज पर लगने वाला टैक्स। दूसरी बात करते हैं हम कोटा की। ये कस्टम विभाग वाला बंदा खड़ा है और यहाँ एंट्री है हमारी इम्पोर्ट की। अब कोटा में हम क्या करते हैं? इसमें हम कर देते हैं लिमिट ऑफ इम्पोर्ट। यहाँ पर ये 4 बॉक्सेस हैं जिसे हमने इम्पोर्ट करना था, लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ 1 को ही अलाउड किया, बाकी 3 जो हैं वो इम्पोर्ट नहीं होंगे। तो कोटा हमारा क्या बताता है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड। तो हमने यहाँ पर एक लिमिट क्रिएट कर दी कि आप इससे ज्यादा इम्पोर्ट ही नहीं कर सकते।
तो इन सबको इन्होंने मना कर दिया कि अब ये अंदर नहीं आ सकते, ओनली दिस वन इज अलाउड। तो टैरिफ जो होता है हमारा वो टैक्स होता है, और कोटा होता है हमारा क्वांटिटी कि हम कितना मंगा सकते हैं। टैरिफ और कोटा क्यों यूज किए जाते हैं, टैरिफ और कोटा का रोल क्या है? अगर टैरिफ और कोटा को यूज नहीं किया जाता है तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी बाहरी मार्केट के सामने। हमारा लोकल मार्केट है और ये है हमारा वॉलमार्ट, हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड और अच्छी सुविधा देने वाली। अगर इन दोनों का आपस में कॉम्पिटिशन होता है तो हमारा जो ये लोकल मार्केट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लोकल मार्केट जो है वो दम तोड़ देगा। अपने लोकल मार्केट और लोकल लोगों को बचाने के लिए तो हम टैरिफ और कोटे का इस्तेमाल करते हैं। हम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस तो ले आए इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की तो उसका प्रोपोर्शन जीडीपी के अंदर 1950 से 51 में 11.8% था, जो कि 1990 से 91 में बढ़कर के 24.6% हो जाता है। अगर इसकी हम रेट देखें तो ये 6% के हिसाब से हर साल बढ़ रहा था। ये अच्छे तरीके से ग्रो करने लगता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसमें भी कुछ छूट दी गई ताकि जिनके पास कम पैसा है वो इन्वेस्ट कर सके। लो कैपिटल इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, और क्योंकि हमने इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जैसे कि बात करें हम टैरिफ की और कोटा की, तो इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ये हमारी एक टेबल है जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। इसमें हम इंडस्ट्री को देखें तो ये 1950 के टाइम पे 14% था, जो कि 2007-8 में बढ़कर के 24.9% हो गया। यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा भी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी उसमें स्टेट इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी कि मेजर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखे हुए थे। वहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं था कि पब्लिक सेक्टर क्या कर सकता है या फिर प्राइवेट सेक्टर अकेले क्या कर सकता है। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो हम जैसे डिफेंस को ले सकते हैं, इसको हमेशा सरकार के अंडर में ही होना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, जैसे होटल्स वगैरह, ये प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर्स अच्छी तरीके से इसको चला सकते हैं। तो जो मोनोपोली थी पब्लिक सेक्टर्स की यानी गवर्नमेंट की, वो बहुत ही ज़्यादा थी। हर सेक्टर में यहाँ पर मोनोपोली थी। जैसे अगर हम बात करें टेली कम्युनिकेशन की, कि एक फ़ोन कनेक्शन अगर बंदे को लेना है तो उन्हें बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ता था एक फ़ोन कनेक्शन लगाने के लिए। तो कुछ इसके नुकसान भी थे जहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी। पब्लिक सेक्टर फर्म्स जो होती है, गवर्नमेंट जितनी भी फर्म्स चलाती हैं, उनका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट नहीं होता बल्कि वेलफेयर होता है। ये लोगों के भलाई के लिए शुरू किए जाते हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें एयर इंडिया की, ये लॉस में होने के बावजूद भी अभी रन हो रही है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि एयर इंडिया को भी अब सरकार बेचने की तैयारी कर रही है कि कोई प्राइवेट फर्म इसे खरीद ले। कई बार लाइसेंस का मिसयूज किया जाता है बड़े उद्योगपतियों द्वारा। वो कोई भी नया उद्योग शुरू करने के लिए खुद ही आगे लग जाते हैं कि हमें इस चीज़ का लाइसेंस दे दो, ताकि नई फर्म्स जो है वो एंटर ही ना कर पाए और वो कंपटीशन से बच जाएं। तो प्रिवेंट करने के लिए कंपटीशन से बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब लाइसेंस के लिए आपको पता है कि लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिसे लाइसेंस चाहिए वो लाइन में लगा हुआ है, तो उसका जो प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर हम ये एक प्रोडक्ट लेते हैं इंडियन, अब बंदा तो बिजी है लाइसेंस लेने में, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर पाएगा अपने प्रोडक्ट में? तो उसका जो प्रोडक्ट होता है उसमें वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाता है। ये हमारी खामी है लाइसेंस राज की, अगर हम इसको कंपेयर करें इस प्रोडक्ट से। तो एरियल के आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एरियल के आगे निर्मा की जो क्वालिटी है वो बहुत ही लो मानी जाएगी। तो लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो इम्प्रूवमेंट को रोकता है अपने प्रोडक्ट्स में, बंदे जो हैं वो लाइसेंस लेने में बिजी हैं, और क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन नहीं है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने की जहमत नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें तो डोमेस्टिक मार्केट में ही कम्पीट करना है। तो उनकी जो प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट है, जैसे इस प्रोडक्ट की हम बात करें, निर्मा की ही बात करें, तो इसमें आपको कोई भी फर्क नहीं देखने को मिलेगा। ये पहले भी ऐसा ही आता था, आज की डेट में भी ऐसा ही आता है। या फिर अगर हम बात कर लें पार्ले जी की, पार्ले जी का टेस्ट आज भी वैसा है जैसा 20-25 साल पहले हुआ करता था। पब्लिक सेक्टर जो है हमारी, गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के लिए काम करती है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। भारतीय रेलवे हमारी कभी घाटे में चलती है तो कभी प्रॉफिट में चलती है। तो लाइसेंस हो गया, टैरिफ हो गया,
कोटा हो गया, ये सारे क्या है, ये हमारे प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन कंपटीशन से। जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप के आगे हमारा कोई भी इंडियन ऐप नहीं है जो इनके साथ कॉम्पीट कर पाए, तो अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि हमारा इस चैप्टर का कॉन्क्लूजन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन की। ग्रीन रिवॉल्यूशन सेल्फ सफिशिएंट बनाया, हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि आज हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। लैंड रिफॉर्म्स ने जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया और लैंडलेस लेबर्स को भी आज़ादी मिल गई। हालांकि अगर हम इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे हमारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की बहुत ही ज़्यादा जो रेगुलेशन थी उसने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ने से रोका। क्यों? क्योंकि हर फील्ड में जो है वो गवर्नमेंट कब्जा करके बैठी थी और इसमें प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को मौका कम दिया जा रहा था ड्यू टू लाइसेंस सिस्टम। और सरकार हमारी जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यहाँ पर फॉरेन कंपटीशन नहीं होता है तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होती है वो हमारी लो रह जाती है। जब भी हमारा कंपटीशन बढ़ता है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो हमेशा बढ़ती है, तो कंपटीशन इज़ अ गुड थिंग। सो कंपटीशन इज़ गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स। और हमारे पास कोई भी एक्सपोर्ट सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं था, हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते थे। हम आज भी इतना एक्सपोर्ट नहीं करते हैं जितना कि हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट जो है वो कम है। इन खामियों को दूर करने के लिए हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई 1991 में। अब हम कुछ टेबल देखेंगे जो कि रिलेटेड है हमारा जीडीपी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, कि किस क्षेत्र में हमारे कितने लोग काम करते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो 1950s के टाइम पे 72% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, जो कि 90s के टाइम पे 66.8% हो जाते हैं। वहीं अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वो 10% से बढ़कर के 2%, यहाँ पर हमें 2% का इंक्रीज देखने को मिलता है। और सर्विस को देखें तो 17.2 से 20.5%, यहाँ हमारा 3% इंक्रीज देखने को मिलता है। इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर से पॉपुलेशन को निकालने में नाकामयाब रहा है। हमारे यहाँ आज भी बड़ी आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, ऑलमोस्ट 60% के आसपास। दूसरी टेबल की हम बात करें तो वो है हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ थ्री सेक्टर्स की, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस कितना कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में। उससे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या होता है। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होता है हमारा कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस जो है वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इन तीनों सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन को हम स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कहते हैं। हम देखते हैं कि इनकी जो ग्रोथ है या फिर इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से बढ़ा या घटा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, तो इसका जो शेयर था 50s के टाइम पे वो 59% था और 90s के टाइम पे 34%, यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें इंडस्ट्री की तो ये 13% से बढ़कर के 24.6 हो जाता है। सर्विस सेक्टर 28% से बढ़कर के 40% हो जाता है। यहाँ अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो देखने को मिलती है वो सर्विस सेक्टर में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है कर रहा है वो है सर्विस सेक्टर। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से तो यहाँ पर 20% पॉपुलेशन ही है जो काम कर रही है। तो यहाँ पर 66% जो है वो काम करने में लगे हुए हैं, यहाँ पर 12% और यहाँ पर 20%। सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो है हमारा सर्विस सेक्टर में एज पर जीडीपी। हालांकि यहाँ पर जो लोगों का कंट्रीब्यूशन है वो कम है। सर्विस सेक्टर में लोगों की एम्प्लॉयमेंट एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर वो काफ़ी कम है। तो इसके साथ ही ख़त्म होता है हमारा सेकेंड चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।